और उत्तराखंड के चंपावत में बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसा यहाँ पर हो गया। यहाँ रीठा साहिब थाना क्षेत्र के तहत सीमांत ग्रामीण इलाके पत्थर ढूंगा नाम की जगह पर बारातियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर है। वहां पर रेस्क्यू लगातार चल रहा है। रीठा साहिब थाना क्षेत्र में हुआ यह हादसा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 13 लोगों की जान गई है। चंपावत से बड़ी खबर है, बारातियों से भरी ये गाड़ी जा रही थी, अचानक से खुशी का माहौल किस तरीके से मातम में बदला, आप देखिए, खाई में गिरी कार और उसके बाद यह हादसा हुआ। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अनुज शर्मा जुड़ चुके हैं। अनुज, सबसे पहले हादसे को लेकर अपडेट दीजिएगा, 13 लोगों की जान गई है, कितने लोग कुल सवार थे? जी दीपा जी, आपको बताना चाहूंगा, गाड़ी में 13 लोगों के साथ, सवारियों के साथ एक ड्राइवर के होने की बात कही जा रही है, जिसमें कि 13 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अब तक हो चुकी है और अभी भी वहां से जो है रेस्क्यू करके लोगों को निकाल के और जिला मुख्यालय पहुंचाया जा रहा है डेड बॉडियों को, और उसी में प्रशासन अमलित लगा हुआ है। जी, ये कहाँ के रहने वाले थे अनुज, ये कहाँ से ये गाड़ी आ रही थी, कहाँ के रहने वाले थे, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है सभी को लेकर? ये सीमांत एक ककई करके गांव ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से एक बारात आई थी टनकपुर की पंचमुखी धर्मशाला में, और जिसमें कई मेहमान भी थे उनके, बाहर से आए हुए कुछ हल्द्वानी के निवासी बताए जा रहे हैं, कुछ चंपावत मुख्यालय का रहने वाला। ठीक है अनुज, आप रहिए हमारे साथ। DIG कुमाऊं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीलेश जी, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। नीलेश जी, सबसे पहले तो आप अपडेट दीजिएगा हादसे को लेकर, बहुत बड़ा ये दुखद हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी है पूरे हादसे को लेकर, 13 लोगों की जान गई है इसके अलावा? नहीं, इसमें ना रात में करीब ये शादी खत्म होने के बाद टनकपुर से अपने गांव जो है वो रीठा साहब की ओर, इनके गांव है तो टनकपुर से रीठा साहब की ओर देर रात चले थे जी। और जो रास्ता इन्होंने लिया था वो भी थोड़ा सा वैसे मेन रोड नहीं कहलाया जाता, गांव का रोड है, तो इस वजह से जो है ये ड्राइवर की वो नहीं होगी गलती, तो इस वजह से ये गाड़ी जो है गहरी खाई में गिर गई, जिसमें अब तक 11 की मौत की तो पुष्टि हो गई है, जिसमें और दो की और बढ़ने की संभावना है उनकी, मतलब वो देखी जा रही है डेड बॉडी। अच्छा, अभी अभी नीलेश जी आप ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पुष्टि अभी मौत की हुई है सिर्फ 11 लोगों की, 11 लोगों की जान गई आप कह रहे हैं, दो के बारे में अभी जानकारी नहीं है? नहीं, दो घायल है ये भी कंफर्म है, 11 लोगों की डेथ हो गई ये कंफर्म है, दो 11 डेथ है, दो घायल है इसमें, और दो और बढ़ने की संभावना है। अच्छा, वजह क्या हो सकती है नीलेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, वजह क्या हो सकती है हादसे की? नहीं, ड्राइवर अभी देर रात चलने की वजह से अब उसमें शादी ब्याह से जाते हैं तो ड्राइवर की गलती हो सकती है, वो पूरी बात तो अभी वो उसमें इन्वेस्टिगेशन में ही आएगी। चले, बाकी सभी की शिनाख्तगी हो चुकी है नीलेश जी? नहीं, ये बहुत गहरी खाई में जो है वो गिरी है गाड़ी, तो इसमें सर्च एंड रेस्क्यू पिछले 5 है, अभी पड़ताल हो रही है, आप कह रहे हैं जल्द ही सभी के बारे में जानकारी हासिल कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमसे जुड़ने के लिए, भी जानकारी साझा करने के लिए, बड़ी जानकारी आपने ये दी, आपने कहा कि 11 लोगों की पुष्टि